सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुम् मायया भोजयन्नो माया संज्ञातुरीयं परमं कृतमयं ब्रह्मदत्तन्नतो वस्मि यो विश्वात्मा विहितविषयान् राष्ट्रभोगान् सविष्टान् पश्चाच्चान्यान् शमति विभवान् ज्योतिषास्वेन शूषान् सर्वानेतान् पुनरपि शयनीं स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतम् अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के प्रथम प्रकरण आगम प्रकरण। आज हम लोग उपरघात के बाद आगम प्रकरण आज शुरू करेंगे और तीन पूरा हो गया, उपसंहार का तीन श्लोक भी पूरा हो गया और उपरघात में जो दो श्लोक है तो उसका व्याख्यान भी हो गया। अब जब भगवान इस भाष्यकार के माध्यम से अनुभव में चतुष्टय दिखा दिया और आगे पीछे पढ़ने के बाद पता लग गया इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु प्रणामावली की आवश्यकता है, जो संग्रह श्रद्धा समाधान को सरस्वती की जो है आवश्यक है तब तब जाकर के व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त। अब जो है यहाँ पे कैसे शुरू करते हैं कि पहला मंत्र आता है, देखो यहाँ पे ओ इति एक दक्षिणम इदम शब्द, ये ओंकार ही सारा संसार है, तो इस ओंकार के माध्यम से परब्रह्म को बोध करना चाहिए, ये हमारे यहाँ पे प्रकट है। इसका नाम पहले बोला उसका नाम आगम प्रकरण, मतलब परंपरा से आया हुआ है जो ज्ञान इस प्रकार में केवल उसी को ऊपर भेजा जा रही, फिर बाद में तो बहुत कार्य का अलग होगा, इसमें तो कुछ कार्य का और मंत्र मिला हुआ होगा, फिर बाद में केवल कार्य द्वितीय प्रकरण से केवल कार्य कार्य का ही लगता है, वही तत्व प्रकरण अद्वैत प्रकरण और अलग शांति प्रकरण और केवल कार्य। अब देखिए हमारे पेज कौन सा, नाइन्थ पेज में जो नीचे का सेकेंड पैराग्राफ है, ओंकार निर्णय द्वारेण आत्म प्रतिपत्ति उपाय भूतम आद्यम प्रकरण इति अयुक्तम इति क्या लिखा आगे ठंडे मिल जाए हमारे में से कहता है ना कथम पुनरोंकार निर्णय आत्म पक्षांतर प्रतिषेध मुखेन अद्वैतमेव दृढ़ेत अंतिम प्रकरण ठीक उसको पट्टिका में तब उपपत्ति भी जब निराकरण हेतु अन्योन्य विरोधिता पक्षांतर प्रतिषेध मुखेन दूसरे पक्ष को प्रतिषेध के माध्यम से अद्वैतमेव दृढ़त्वम अद्वैत के निर्मतत्व दृढ़ करने के लिए अंतिम प्रकरण इति अर्थ अंतिम प्रकरण है। टीका में नीचे ना ओंकार निर्णय द्वारा हाँ यहाँ शुरू होगा तो मैं मूल उसके भाष्य में बोल रहा था ना हाँ उस भाष्य को कनेक्ट करने के लिए उस भाष्य को कनेक्ट करने के लिए पहले हमारा टीका का उपोद्घात दे रहे कौन सा भाष्य शुरू होगा कथम पूर्ण ओंकार निर्णय उस भाष्य शुरू होगा वहीं पर ठीक है ना क्या इसके पहले तक हमने पढ़ लिया था तो भगवान भाष्यकार यहाँ पे ग्रंथ लिखने की उपयोगिता फिर अनुबंध चतुष्टय सब दिखाने के बाद अब जो ग्रंथ संबंध है चार प्रकरण में क्या क्या चीज का कथन करेगा उसकी प्रतिज्ञा भी कर दी। आगम प्रकरण में अद्वैत प्रकरण में वैधत्य प्रकरण अद्वैत प्रकरण अलग शब्द प्रकरण विषय भी बता दिया। अब जो है ग्रंथ को शुरू करने के लिए यहाँ से आगम प्रकरण को बताता है।
इसलिए बोल रहे हैं वहां पे कि ओंकार निर्णय द्वारेण आत्म प्रतिपत्ति उपाय भूतम आद्यम प्रकरण इति आगे क्या लिखा है इति उक्तम ठीक है ना। हमारे पुस्तक में यकार अधिक लिखा हुआ है तो एक ओ भी है फिर य भी है और कट भी है ठीक है उक्तम उजक्तम लिखा है इति उक्तम है वो ठीक है मतलब यह हमारे एक एडिशनल ईयर लिखा है हमारा भी एक एडिशनल ईयर है तब होगा और जो तब इति इति उक्तम हाँ ये तो ठीक है हमारे सुनने की इति उक्ते क्यों कर लिखा आपके पास मुकर के पास कौन कौन तो लिखा ना ये हम अरे हमारे इति उक्तम यहाँ पे देखिए नहीं इति उक्तम और हमारे यहाँ पे देखिए ये देख मुकर के बाद एक क्यों आ रही है अरे ये तो संधि के इति का यह है उसके उसके ऊपर एक और एडिशनल और एक और है ठीक है। ओंकार की निरूपण के माध्यम से ओंकार निर्णय द्वारे मतलब ओंकार के निरूपण के माध्यम से आत्म प्रतिपत्ति उपाय होता आत्मा को समझने के लिए एक उपाय रूप है बोध प्रतिपत्ति मतलब बोध आत्मबोध बोध और आत्मबोध के लिए बार बार शब्द आते हैं ओंकार निर्णय द्वारेना आत्म प्रतिपत्ति उपाय भूतम आत्मबोध के लिए उपाय रूप है कौन सा आद्य प्रकरण पहला आगम प्रकरण आद्यम प्रकरण आवृत्ति की उत्तम ऐसा आपने कहा तो क्या हो गया इसीलिए तद निर्णय निर्णय तद भी हेतुत्व अयोगात्म जो शंका है कि तद निर्णय ओंकार निर्णय तद भी मतलब आत्म भी आत्म प्रतिपत्ति हेतुत्व अयोगात् मिला तब निर्णय मतलब ओंकार निर्णय तब से जानेंगे ओंकार निर्णय और तब भी मतलब कहेगा आत्मधि आत्म प्रतिपत्ति ये जो ऊपर पहले लाइन में देखिए ओंकार निर्णय द्वारेना आत्म प्रतिपत्ति उपाय भूत आत्म प्रकरण तो ओंकार के निर्णय के माध्यम से आत्मबोध इसलिए पर दो दो आपका प्रोनाउन आ गया तब निर्णय से तब भी हेतु तो अयोगा तब निर्णय से क्या लेंगे ओंकार निर्णय अब तब भी मतलब आत्मधि आत्मबोध है इसमें युक्ति संगत नहीं है आपका कथन युक्ति संगत क्यों युक्ति संगत नहीं है किसी के मैं जानूंगा किसी को और ज्ञान होगा दूसरे का ये कहीं देखा नहीं जाता देखा जाता है मैंने फिजिक्स पढ़ा मेरे को केमिस्ट्री का ज्ञान हो जाएगा क्या इकोनॉमिक्स पढ़ा मैथमेटिक्स का ज्ञान थोड़ी होगा इसीलिए जो पढ़ता है ओंकार को निर्णय था ओंकार संबंधित ज्ञान होगा आत्मा का कैसे तारे भाई जरा सोच समझ के बोला करो कभी कभी ऐसा भी होता है दूर से धुआं दिखाई देता है परंतु अग्नि अग्नि का बोध होता कि नहीं होता अनुमान से बोध होता है ठीक है प्रत्यक्ष नहीं होता परंतु अनुमान से बोध होता है तो यहाँ पे तो क्या परंतु अनुमान का जहाँ आपका बोध होगा वहाँ पे क्या निर्णय होता है कि सहचर्य नियम है अग्नि और धुआं की सहचर्य नियम है आपके यहाँ पे ओंकार और आत्मा सहचर्य नियम चलिए न खलु अर्थांतर ज्ञानम अर्थांतर ज्ञाने व्याप्ति अंतरे न उपयुज्यते एक दूसरा विषय का ज्ञान और एक दूसरा एक दिखाई दे रहा है दूसरा वस्तु दूसरा वस्तु का बोध हो रहा है वो व्याप्ति ज्ञान के बिना दोनों सहचर्य नियम के बिना इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न होना संभव नहीं ठीक है ना। न खलु निश्चित ही न खलु मतलब किसी का घट का बोध हुआ उससे बोलेगा मेरे को पट ज्ञान होगा कहीं नहीं दिखाई देता न खलु अर्थांतर ज्ञान विषयांतर ज्ञान मतलब कोई आपको फिजिक्स पिरामिड केमिस्ट्री बोला घट को जाना उसके ज्ञान से भी अर्थांतर ज्ञान है उसके उससे एक ज्ञान तो दूसरे ज्ञान भी हो जाएगा ऐसा होता नहीं है, है ना। यह व्यक्ति मंत्र है ना जीत देते तो बोलते हैं व्यक्ति के बिना ओंकार
ओंकार और आत्मबोध में जैसा धुआं और अग्नि में व्याप्ति दिखाई पड़ता है, सहज निमाय दिखाई पड़ता है, ऐसा तो कोई नियम उपलब्ध होता नहीं। इसलिए ओंकार नहीं होना से आत्मा ज्ञान कैसे होगा, ये जो आपका कथन इसलिए सही नहीं है। ठीक है, इसलिए बताया न सा आत्म धूम अग्न व्याप्ति उपलब्ध, इस प्रकार व्याप्ति तो नहीं दिखाई पड़ता है, सहचर्य नियम व्याप्ति मतलब एक साथ नहीं अकेला नहीं करता, साथ साथ रहता है दोनों, जहाँ धुआं है वहाँ बंदी है, जहाँ धुआं है वहाँ बन जाए में क्या जाएगा, जहाँ ओंकार निर्णय होगा वहाँ आत्मज्ञान होगा, ऐसा व्याप्त होना चाहिए, हम ध्यान से व्याप्त तो नहीं दिखाई पड़ते। इसलिए बोलते हैं हमें देखिए टिप्पणी दिखाई पड़ रही है आपके पुस्तक में, नच धूम अग्नयो एव व्याप्ति उपलब्ध है, ठीक है ना। ओंकार निर्णय से आत्म प्रतिपत्ति हेतु, ओंकार के निर्णय से का बोध हो जाएगा कि विषय में यदि दोनों में इस प्रकार धुआं अग्नि की तरह व्याप्ति उपलब्ध होता तब ठीक है, धुआं को देख करके हम अग्नि का बोध दृश्य करते हैं, इसी प्रकार ओंकार की बोध से आत्मा का ज्ञान हो जाता है, ऐसा व्याप्ति तो है नहीं, इसीलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि ओंकार की बोध से आत्मा ज्ञान हो जाएगा। न च आत्म कार्यत्वम ओंकारस्य युक्तम, ठीक है ना, अच्छा व्याप्ति ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, आप जो है कार्य कारण भाव होगा, कार्य कारण भाव, इस प्रकार हमने खड़ा को देख करके मृत्तिका को समझ सकते हो बाहर का, ठीक इसी प्रकार ओंकार जो है आपका आत्मा का कार्य हो तो ओंकार को देख करके आप आत्मा को समझ सकते हैं कार्य में, ऐसा भी नहीं है न चाह आत्म कार्य तब ओंकार से युक्त, ओंकार आत्मा का ओंकार आत्मा का कार्य है, आत्मा कारण है, ऐसा कहने में युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि इसका पहले पुरुषत्व आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि तस्मात् वै तस्मात् आत्मनो आकाश संभूत, वहां पे ऐसा नहीं कहा तस्मात् वै तस्मात् आत्मनो ओंकार संभूत, ऐसा नहीं कहा, ठीक है, फिर हम आपकी बात को मान्यता देते हैं, तब क्या हो गया, तो ओंकार निर्णय के माध्यम से यदि ओंकार के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान होगा तो आकाश का ज्ञान से भी आत्मा का ज्ञान होगा, तो ओंकार निर्णय क्यों करो, आकाश का निर्णय करो, आपने कहा कि ओंकार के ज्ञान से आत्मज्ञान होगा, ये अलग वस्तु अलग वस्तु, उनके थोड़ा तो भेदवादी है, ये पूर्ववादी का कथन है, पहले देखिए दोनों का क्या आता है भगवत का, तो मतलब वो क्या होता है कि पूर्ववादी मतलब वो भेदवादी है, भेद देखता है, वेदांत एकत्व दोष है, अब वो एकत्व में हम जो ले जाएंगे, तो अब जो सामान्य जो हमको शंका होती है कि यदि ओंकार भी आत्मा की यदि ओंकार के साथ आत्मा का व्याप्ति होता तो अब एक बात होती, यदि ओंकार आत्मा में कार्य कारण भाव होता जैसे अग्नि या धुआं कार्य कारण भाव होता, क्या होता कि कार्य का ज्ञान से कारक का बोध हो जाता, ठीक है ना, यदि ऐसे मानोगे तब आकाश का ज्ञान से भी आत्मा का ज्ञान होगा, तो ओंकार निर्णय क्यों करो, आकाश का निर्णय करो, ठीक है, इसीलिए हमें बोलते हैं कि आत्म कार्यत्व ओंकार से युक्तम आकाशादेक अविशेष, आकाशादेक के साथ कोई सामान्य आकाश आरोप करने को उसको निर्णय करने के लिए कार्य होगा, आकाश का साथ इसमें कोई विशेषता नहीं जाएगा, भेद ही नहीं जाएगा, यहाँ पे भी टिप्पणी दिखाई पड़ रही है, न च आत्म कार्यत्व ओंकार से युक्तम, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए अत्र युक्तम इति अत्र प्राप्त, यहाँ पे ऊपर है ना युक्तम के पहले ये लगाना पड़ेगा आत्म कार्य तरीके से युक्तम इति युक्तम तस्मा तस्य आत्म प्रत्यय दत्तम इति से मतलब यदि ओंकार होता तब वो आत्म प्रत्यय होता, ये कहना युक्ति संगत होता, आत्म प्रत्यय मतलब बोध बोध प्रत्यय मतलब बोध बोध उत्पन्न करता, तस्य आत्म प्रत्यय दत्तम, जैसे आपने विवेकी व्यक्ति घड़ा को देखते हैं तुरंत उपादान कारण जो है किससे बना उसका बोध हो जाता है, उसका कार्य को देख करके कारण का, जैसे आप बाजार में कपड़ा खरीदने गए आप कपड़ा को पकड़ के देखते क्या देखते हैं इसका क्वालिटी कैसे क्वालिटी कैसे उसका ट्रेड कैसे ये देखते हैं ना, इसी प्रकार यदि आत्मा यदि मतलब ओंकार यदि आत्मा का कार्य होता तो ठीक है ओंकार को देख कर आत्मा संबंधित बोध हो सकता था, ये कहना युक्ति संगत हो जाए, युक्तम तस्य आत्म प्रत्यय मतलब वो आत्म संबंधित प्रत्यय उत्पन्न कर सकता था कौन ओंकार इसमें कार्य करेंगे, एक आकाश आदि और विशेषा इसके ऊपर भी टिप्पणी है,
आकाश आदि और विशेषण इत्यत्र ओंकार से विशेष मतलब है ओंकार का और आकाश में कोई भिन्नता नहीं है, अविशेष सामान्य दोनों एक ही प्रकट कैटेगरी मान जाए, जैसे आकाश वैसे ओंकार, किंतु सभी आत्मा का कार्य है। इस प्रकार जैसे आकाश वैसे ही वायु, ऐसे ही अग्नि, ऐसे ही इस प्रकार ओंकार जैसे ओंकार जैसे ही उसको समझा है। आकाश शरीर और विशेषण इत्यत्र ओंकार से विशेष इसको इसके साथ अभी जैसे जैसे आकार और से ओंकार से ही हो जाएगा, इसमें जोड़ना है। तथा च यथा आत्म कार्यते अपि आकाशादीनां न आत्म प्रत्ययकत्वं तथा तस्यापि न तत्प्रत्ययकत्वम् इति विधानांतरण लाभने भावांतरम क्या हो गया जैसा टॉप है। तथा च मतलब ओंकार और आकाश यदि दोनों ही आत्मा का कार्य होगा तब जिस प्रकार आकाश से आत्मा का बोध नहीं होता इस प्रकार ओंकार से आत्मा का बोध नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं तथा च यथा आत्म कार्यत्य अपि जैसे आत्मा का कार्य होते हुए भी आकाशादीनां न आत्म प्रत्ययकत्वम् आकाश वायु आदि आत्म संबंधित बोध उत्पन्न नहीं कर सकते हैं न प्रत्यक्ष तथा उसी प्रकार से तस्यापि तस्यापि मतलब ओंकारस्यापि न तत्प्रत्ययकत्वम् मतलब न आत्म प्रत्ययकत्वम् इति ये जितना प्रणाम लाते हैं ना थोड़े एक बार रुक कर किसको परामर्श कर रहे देखना मैं तो फिर पंक्ति नहीं लगती इसमें यहाँ पे बोलते हैं कि तथाचा यथा आत्म कार्यत्य अपि आकाशादीनां न आत्म प्रत्ययकत्वम् जैसा मतलब आकाशादी आत्मा का कार्य होने होते हुए भी जो आत्मा का बोध नहीं करा सकते हैं तथा उसी प्रकार से तस्यापि तस्य मतलब ओंकारस्यापि न तत् प्रत्ययकत्वम् न आत्म प्रत्ययकत्वम् इति विधानांतर लाभन इस प्रकार से दूसरी प्रकार से बोलने से भावांतर मतलब आप दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे विधानांतर दूसरी प्रकार से लाभन लब्ध धातु है बोलना अर्थ में आता है टूटे अर्थ में आता है फर्स्ट कंजुगेशन परिस में लपति जलपति जल धातु में लपति मतलब कथन करा है लाभ हो जाता है लप लप बोलते हैं लपति भी होता है लाभ तो यहाँ पे आपका ये हो गया ना लूट प्रत्यय हुआ लाभ हुआ उसका लाभ माने लाभन पहले बोलते हैं बनता है कथन है कथन मतलब उसका अर्थ उसका कथन में बोलने में भावांतरम तो दूसरा वस्तु प्राप्त हो जाएगा एवं च आकाशादि निर्णयस्य अपि इस प्रकार से इसका विपरीत इस प्रकार मतलब यदि सभी का कार्य जो आत्मा का कार्य सभी है तो आकाश आदि से भी ओंकार का बोध होना चाहिए यदि आकाश आदि से नहीं होता तो ओंकार से भी नहीं होगा। अब एवं च आकाशादि निर्णयस्य अपि आत्म प्रति उपायत्व आपातेन इस प्रकार से आकाश आदि का निर्णय से भी यदि आत्मा का बोध प्राप्त हो जाता आत्म प्रति उपाय जो आपात है और आत्मबोध के लिए उपाय है इस प्रकार प्राप्त होने पर तब निर्णय से भी कर्तव्य जिसमें आकाश का भी निर्णय करने कर्तव्य हो जाएगा आपके लिए ओंकार का कौन निर्णय करो किसका निर्णय करो आकाश का निर्णय करो आकाश का आदर्श भी निर्णय कर्तव्य आपात इति भाव इसका अंतर भाव है। आकाश आदि आत्म कार्यत्व अविशेष पक्षे अयम मतलब आकाश आदि और आत्मा दोनों में हमारे सभी ओंकार इस दोनों में आत्मा यदि एक ही आत्मा का कार्य होगा उस पक्ष में ये आपके लिए इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो जाएगा। आकाश आदि आत्म कार्यत्व अविशेष पक्ष आकाश और ओंकार दोनों आत्मा कार्य ना इस प्रकार की स्थान में आप पहुंच जाएंगे। हम बोलेंगे आप ओंकार के माध्यम से आकाश के माध्यम से निपट करते देखो इस प्रकार से देखो कि आपका हाँ ये एक हमने आकाश आदि अविशेषा प्रथम प्रकरण अर्थम प्राप्त उक्तम आक्षिपति ठीक है ना तस्य च दो नंबर की प्रकरण आत्मा ही सर्वात्मा स च न आत्म कार्य आत्मा सर्वात्मा है और वहां पे सर्व जो है आत्मा का कार्य नहीं है आत्मा हो गया सर्वात्मा सभी के अंदर सबका स्वरूप है परंतु सब सारा संसार आत्मा का कार्य नहीं है सबका स्वरूप होते हुए कार्य नहीं है आत्मा ही सब क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे अजातवाद को ही हमारा इस प्रकार से सिद्ध करना है परंतु शुरू से ही आपके मन के ऊपर ये आत्मा का कोई कार्य है नहीं यहाँ यदि वो प्रतीति मात्र है उसी से बोलते हैं आत्मा ही सर्वात्मा सच न आत्म कार्य जब सर्वात्मा रूप में आपका शरीर दिखाई पड़ता है वो आत्मा का कार्य नहीं है वो वही नहीं वहां पे
तद्वत ओंकार सर्वात्मा, ओंकार को भी सर्वात्मा बोलते हैं यहाँ पे मंत्र है, ओ इति एत अक्षर इदं सर्वम्, इस सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इस प्रकार ओंकार एव इदं इदं खलु ओंकार एव, सारा ओंकार ही है ऐसा कहा। इसलिए ओंकार और आत्मा दोनों को एक ही कैटेगरी में दिखा करके, ये कि दोनों के संबंध तो दिखा रहे हैं ना, उसका कार्य है और ना वहाँ पे कोई व्यक्ति संबंध है, ये दोनों ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि आत्मा ही सर्वात्मा सच न आत्म कार्य, तद्वत ओंकार अपि सर्वात्मा, ओंकार तो सर्वात्मा है, बोले क्या ऐसा ओम इति एत अक्षर इदं सर्वम् ओंकार, ये सारा संसार है, इसे बोलते हैं। अतः तस्यापि न आत्म कार्य, इसलिए ओंकार भी आत्मा का कार्य नहीं है। ये सब पूर्ववादी का बात है, हमारे सिद्धांत में ओंकार भी आत्मा का कार्य नहीं, आत्मा को भी कारण बनाए नहीं तो कार्य कैसे होगा, आत्मा और ओंकार को एक ही लेवल में दिखा रहे हैं, तो फर्क क्या हो जाएगा, ओंकार आत्मा का कार्य नहीं है ना, वहाँ पे कोई सहजात नियम भी हम नहीं, नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आंखों फिर धुआं होगा, ओंकार ही आत्मा है ऐसा करके निरूपण, क्योंकि ओंकार भी प्रतीक में अवलंबन में आत्मचिंतन करने से तो आत्मा को और कुछ आप अवलंबन नहीं बना सकते, आत्मा का प्रतीक के रूप में बोला जा रहा है। आगे बोलेंगे हम धीरे धीरे, इसको पढ़ते आइए तो पूरा समझ में आ जाएगा। इसलिए आप बोलते हैं तस्य च सर्वात्मत्वेन आत्मवत् तत् कार्यत्व व्याघाता, यदि वो सर्वात्म ओंकार तस्मत् ओंकारस्य, ठीक है ना, आत्मा सर्वात्मा तो ओंकारस्य च सर्वात्मत्वेन, सभी के स्वरूप होने के कारण आत्मवत् वो भी आत्मा के समान है, तत् कार्यत्व व्याघाता, इसलिए ओंकार आत्मा का कार्य नहीं हो सकते, ओंकार आत्मा का कार्य नहीं हो सकते। इति मनवानः, इस प्रकार मन में रखते हुए, मनवानः इस प्रकार मन में रखे, प्रथम प्रकरणार्थ पहला प्रकरण का जो अर्थ है विषय है प्रागुक्तम, जो पहले कहा उसी को भगवान भास्कर स्वयं जो आक्षेप के रूप में दिखाते आक्षेपति, सन हमने तो पढ़ा उसको मनवानः, सन सन इधर जाएगा, मन में रखते हुए सन भास्कर प्रथम एक वचन है, भास्कर को लेकर के मनवानः भी प्रथम एक वचन है, भगवान भाष्यकर ऐसा मन में रखते हुए प्रथम प्रकरणार्थ पहला प्रकरण के विषय है प्रागुक्तम, जो पहले कथन करके आया स्वयं वहां पे आक्षेप उठा रहे हैं अपनी कथन को पुष्ट करने के लिए कि ओंकार निरूपण के माध्यम से आप आत्मचिंतन करके इतना प्रकार से दिखाएंगे ध्यान आनंद के लिए, तो वो आप आत्मचिंतन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यह आक्षेप उठा करके जो पहले कथन करके आया वो कथन सही है उसका समाधान। आप देखिए यहाँ पे क्या भाष्य में आ जाइए, अभी प्रथम पुनः ओंकार निर्णय आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपायत्वं प्रतिबद्धते इति, अथवा प्रथम पुनः ओंकार निर्णय आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपायत्वं प्रतिबद्धते, ठीक है, ये वहाँ पे जो ओंकार निर्णय, ठीक है ना, ना वहाँ पे विसर्ग है ना वहाँ पे एकार है, आगे आपका आकार है, तो दोनों को संभावना है, सप्तमी भी हो सकता है प्रथमा भी हो सकता है, सप्तमी होने से क्या हो जाएगा निर्णय अकारांत शब्द लाभ ही जैसे, और प्रथम होने से क्या हो जाएगा निर्णय, मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो निर्णय आपको करना पड़ेगा, वो निर्णय आपको करना पड़ेगा, ये सप्तमी अंत है कि प्रथमा अंत है, नहीं आ रहा समझ, अरे एकार कैसे होता, आगे आकार नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो क्या हो जाएगा ए जो अवयव लगेगा, ए जो अवयव लगता है आकार का लोप हो जाएगा तो मन को ही लगेगा, आपको यही तो व्याकरण सीखने से आप आपके पास सामने प्रश्न होता है, प्रथम पुनः ओंकार निर्णय आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपायत्वम प्रतिपद्धति, ठीक है ना, आप यहाँ तक शब्द में निर्णय करेंगे कि प्रथमा निर्णय करेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आत्म निर्णय आत्म तत्व
ओंकार निर्णय आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपायत्व प्रतिपद्यते वैसे क्रियापद आपको दिखाई दे रहे हैं ना तद्यपि पद था तो आत्मनिपद या पुट कंजुगेशन एक्टिव में भी ऐसा ही है विसर्ग अकार के बाद विसर्ग आगे ये बेनी भाव बन रहा है तो अकार को छोड़कर कठोर हो जाता है अकार के बाद विसर्ग हो उसके बाद आगे कुछ भी भाव बनो विसर्ग ब्रह हो जाता है और वहां संधि भी नहीं होता नहीं तो आकार उसको दीर्घ कर देना चाहिए था ठीक है ना तो यहाँ पे बोले परंतु आप ये बताओ कि ओंकार के निर्णय आत्म प्रतिपत्ति का उपाय आत्मबोध का उपाय कैसे हो सकता है कथम पुनर् ओंकार निर्णय आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपायत्व प्रतिपद्यते ओंकार परंतु आप फिर ये तो बताइए ओंकार के निर्णय मतलब ओंकार के विचार से आत्म तत्व आत्मा आत्मा के अंदर जो तत्व और ओंकार का अंदर जो तत्व तत्व एक ही है आत्मा और ओंकार एक नहीं है परंतु दोनों का अंदर तत्व एक ही तत्व शब्द प्रयोग किया आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय आत्म तत्व का बोध का उपाय ओंकार निर्णय कैसे हो सकता है हाँ आत्म तत्व बोध की उपाय ओंकार निर्णय कैसे हो सकता है ये अभिप्राय ठीक है ना कथम पुनर् ओंकार निर्णय आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय प्रतिपद्यते इति सुनो यहाँ नहीं कई उपनिषद में ओंकार को अवलंबन लेकर के आत्म तत्व को बोध होता है ऐसा दिखाया गया है ना तो उसको लेकर के देखिए एक के बाद एक उच्चते आप देखिए यहाँ पे आ जाइए उच्चते क्या फिर टीका में ठीक है टीका में न वयम अनुमान अवष्टम भात ओंकार निर्णय आत्म प्रतिपत्ति उपाय अभ्युप गच्छाम कमा कर एना व्यक्ति अभाव दोषम आवहेत ठीक है ठीक यही लिखा है तो क्या बोला न वयम अरे भाई देखो हमारी परंपरा में ऐसा नहीं सिखाया गया वयम अनुमान अवष्टम भात अनुमान को आश्रय करके ओंकार निर्णय ओंकार के निर्णय आत्म प्रतिपत्ति उपायम अभ्युप वयम न गच्छ न वयम अभ्युप गच्छ वयम करता हो गया करके न अभ्युपगच्छम हम लोग ऐसा नहीं मानते क्या नहीं मानते कि ओंकार को अवलंबन करके आत्म प्रतिपत्ति का उपाय हो जाएगा अनुमान में जैसा होता है जैसा आपने धुआं को देखा तो आप अग्नि का अनुमान कर लेते हैं इसी प्रकार ओंकार के ज्ञान करेंगे फिर उसके बाद आत्मा को अनुमान करेंगे ऐसा नहीं ज्ञान होगा ओंकार की और अनुमान होगा ऐसा नहीं अनुमान की तरह आत्मा बोध नहीं करते हैं ये वेदांत ही बोल रहे हैं ये वेदांत सिद्धांत न वयम अनुमान अवष्टम भात ओंकार निर्णय अनुमान को अवलंबन करके ओंकार की निर्णय आत्म प्रतिपत्ति का उपाय जैसे धुआं की निर्णय अग्नि प्रतिपत्ति का बोध का उपाय होता है ऐसा हम नहीं मानते हैं न अभ्युपगच्छा जिससे कि हमें व्यक्ति सहचर के नियम दिखाना पड़े ये न व्यक्ति अभाव दोष आवहेत मतलब जिससे कि हमारे पक्ष में व्यक्ति अभाव रूपी दोष जो आपने दिखाया कि ये तो जरूरी नहीं है कि जहां जहां ओंकार के अवलंब में जहां जहां ओंकार वहां वहां आत्मा ऐसा व्यक्ति तो नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापक ऐसा कौन सा जगह है जहां पे आत्मा नहीं है इस प्रकार व्यक्ति अब नहीं कह सकते ठीक है ना व्यक्ति अभाव दोष न आवहे जिससे कि जिसके फलस्वरूप हमारी ऐसे आम अनुमान के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते जिससे हमारे पक्ष में आप व्यक्ति में दोष दे नहीं सकते हैं कि बोलते ये व्यक्ति अभाव दोष आवहे किंतु तो कैसे आप बोध कराना चाहते हैं तो हम लोग श्रुति का अवलंबन करके चलते हैं हमारा मुख्य आधार क्या है श्रुति प्रत्यक्ष अनुमान आदि आप लोग समझे इसे बोलते हैं किंतु श्रुति प्रामाण्यात तत् निर्णय तत् भी हेतु रीति परिहरति श्रुति की प्रामाणिकता के आधार पर तत् निर्णय ओंकार निर्णय तत् भी हेतु आत्मधी हेतु आत्मबोध हेतु इति परिहरति इस प्रकार से हमारा मन में रख करके पूर्ववादी की शंका को निराकरण करते हैं निराकरण करते परिहार करते ना हटा देना हरि धातु है परिउपसर्ग करके परिहार करना हटा देना किंतु श्रुति प्रामाणात् तत् निर्णय श्रुति की प्रामाणिकता के आधार पर तत् निर्णय मतलब ओंकार निर्णय ठीक है ना और तत् भी हेतु मतलब आत्म भी हेतु यदि आप प्रणाम को ठीक से नहीं लगा पाएंगे फिर आप छूट जाएंगे इधर उधर हो जाएंगे इसलिए बोलते हैं किंतु श्रुति प्रामाण्य तत् निर्णय तत् भी हेतु इति परिहरति इसको मन में रखते हुए भगवान भाष्यकार उत्तर देते हैं उच्यते सुनो हमारे वेदांतिक सिद्धांत क्या है
उच्चत कहा जाता है। अब देखो वहां पे केवल इतना ही वक्त लिखा ओम एतत्, इसके पहले क्या है सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांच सर्वाणि च यदि वदन्ति यदि छन्दं ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदक्षं ग्रहेण ब्रवीमि ओम एतत्। ठीक है ना, तो यहाँ पे केवल भाष्यकार केवल लिख दिया ओम एतत्, बस ये जो है ना ये परमात्मा इन सर्वे वेद समस्त वेद जिसको सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, संपूर्ण वेद जिसकी जिस पद को पद्यति इति पद जिसको प्राप्त करने के लोग चाहते हैं उसको जो है समस्त वेद मिलकर के उसी को कहते हैं सर्वे वेदा यत् पदम आम तपांश सर्वाणि च यत् पदन्ति, जो भी व्यक्ति किसी प्रकार के तप आचरण करते हैं वो जिसको प्राप्त करने के लिए करते हैं। और तप यदि क्षमता ब्रह्मचर्य चरण जिसको इच्छा करके लोग जो ब्रह्मचर्य पालन करते प्राप्ति की इच्छा से तत्ते पदम तुम्हारे प्रति उस पद को मैं संक्षेप में बोलूंगा। फिर देखिए भगवत गीता की अष्टम अध्याय में और भगवत गीता की अष्टम अध्याय में हमको लगता है ग्यारह या बारह वर्ष ग्यारह नंबर से क्या शुरू है पहला शब्द केवल हम देखो वहां पे बोलते हैं अष्टम अध्याय की अभी याद करिए तुरंत शब्द ओम इति एका क्षणम भूम बेहरण मम मनुष्यम ज प्रति तेजम यह सजाति परमं तद पुरुषा यद अक्षरम वेद विद वदति यद जीव बीज राग यदि छंद ब्रह्म चैतन्य तरति कैसे हम ओंकार के माध्यम से आत्मा का ज्ञान कैसे होगा देखिए आनंदगिरी क्या बोलते हैं इसको देखिए टीका में आ जाइए तत्र मृत्युना नचिकेतसं प्रति ठीक है ना मृत्यु मतलब जमराज के द्वारा नचिकेता के प्रति ऐसा कहा था ओम इति एतत् इति अनेन वाक्येन ब्रह्मतेन ओम इति एतत् उपनिष्टम्। नचिकेता क्या पूछा था नचिकेता के तृतीय वर क्या था प्रीति नास्ति या यम प्रीति विचिकित्स अस्ति विचाय के नायम अस्ति विचाय के एतद विद अवशिष्टते वराणाम ईश्वर स्थिति ये मतलब हाँ परंतु अब इसका स्पष्टीकरण क्या दिया वहां पे क्यों मैं किसको पूछ रहा हूँ जीवात्मा के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ अन्नत्र धर्मात् अन्नत्र अधर्मात् अन्नत्र अस्मात् कृता कृतम् अन्नत्र भूतच्च भव्यच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद् श्लोक है ये मतलब मेरे भूत भविष्य वर्तमान से पीछे ये पूरा उपनिषद का थोड़ा याद नहीं रखने से यहाँ पे छोटा सा भाष्य का लिख दे कनेक्ट नहीं कर पाएगा वहाँ पे और नचिकेता के प्रश्न क्या था कि अन्नत्र धर्मात् अन्नत्र अधर्म धर्म धर्म से परे है अन्नत्र भूतच्च भव्यच्च भूत भविष्य वर्तमान के पीछे कार्यकर्म भाष्य जिस पथ को आप जानते हो मेरे को बताओ जो नचिकेता प्रश्न जो मतलब आत्मा के ब्रह्म के बारे में पूछा था जमराज क्या बोला ओम इति एतत् हाँ वो मतलब उसी का प्रतीक है उसी को समझने उसी का अवलंबन लेकर के उस तत्व को चिंतन करो। अब ये जब तक वो नचिकेता के प्रश्न के साथ इस उत्तर का नहीं मिला पाएंगे भाष्य का कहना इस पंक्ति का आगे पीछे लगे कहीं प्रश्न पूछिए उत्तर पूछ ऐसा नहीं है यहाँ पे जैसा प्रश्न किया ठीक वहीं पे खड़े होकर उत्तर दे रहे हैं। ओंकार में ना कोई कार्यकरण भाव है ना वहां सहचर्य नियम है और शास्त्र ने ऐसा लिखा ओंकार पे अवलंबन कैसे करेंगे आप देखिए बता रहे हैं मृत्युना
अभिप्राय क्या है? बोलते हैं समाहितेन ओंकार उच्चारणे उच्चारणे जब चैतन्य स्फुरति तब ओंकार स्वामिप्या एव शाखा चंद्र नयन ओंकार शब्देन लक्ष्यते। न कार्यकारण भाव है न साहचर्य नियम है, फिर भी ओंकार के द्वारा ब्रह्म का बोध चेतन का बोध कैसे होता है? शाखा चंद्र कैसे होता है? इसके द्वारा लक्षित होता है। हमारे यहाँ पे तो आत्मा को बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, आपको लक्षण अभिव्यक्ति के शब्द कोई उपाय नहीं है। इसलिए देखिए कितना सुंदर बोला, समा शब्द के लिए नहीं होगा, समाहितेना समाहित चित्त व्यक्ति एकांत चित्त व्यक्ति जब ओंकार उच्चारण करते हैं, जो अंदर से जैसे नाम ब्रह्म को उच्चारण करते हैं, तो समाहितेना ओंकार उच्चारण जब चैतन्य स्फुरति जो चेतन स्फुरन होता है, क्योंकि नहीं तो कहां से मतलब अंदर से जो आवाज आता है नाद ब्रह्म की, वो क्योंकि वो चेतन के बिना आवाज कौन निकालेगा, जड़ में तो कुछ संभव नहीं है, उसके अंदर समाहित चित्त व्यक्ति का ओंकार उच्चारण समाहित अंदर से एक चेतन की स्फुरन होता है। अब जो है समाहित ना ये देखिए स्फुरन मतलब क्या होता है, स्फुरन क्या प्रकाश ना ना तो सामान्य प्रकाश नहीं बोल सकते, हमने बोला गाय, आपको सामने गाय दिखाई दे रहा है परंतु मन में कुछ उत्पन्न हो दर्शन वस्तु नहीं होगा सामने में परंतु एक बोध उत्पन्न होगा ओंकार उच्चारण के साथ ही से बोलते बोलते ही जो वस्तु आपके सामने अंदर स्फुरित होता है। अब इस पूरा आपके पास पहले ज्ञान है तब स्फुरण हुआ, इस समय चित्त क्यों बोला वेदांत तो सुन करके अभ्यास कर रखा है, महावाक्य की जगह के विचार किया हुआ है, अब ओंकार को अवलंबन लेकर के चिंतन करते हैं, अब महावाक्य का स्फुरण एकत्र बता के चिंतन का स्फुरण होता है। इसलिए बोलते हैं समाहितेन ओंकार उच्चारेण चैतन्यम स्फुरत जो चैतन्यता की स्फुरण होता है अंदर से तद ओंकार समीपे आपको आप ओंकार को ओंकार के समीप है बिल्कुल नस्तिक है, तद ओंकार सामीप्य ओंकार के समीपता मतलब बिल्कुल पास है एवं शाखा चंद्र नयन ये शाखा चंद्र नयन मतलब आपको जो है कि एक रिवाज है पति पत्नी को द्वितीया की चंद्रमा को दिखाते हैं, तो वहां पे द्वितीया की चंद्रमा छोटा ही होते हैं, तो पहले पहाड़ पहाड़ के ऊपर पेड़ पेड़ के ऊपर पेड़ की शाखा, शाखा के साथ चंद्रमा का कोई संबंध नहीं है, कितना दूर है फिर उसके माध्यम से उसको दिखा देते हैं, इसको अरुंधति न्याय भी बोलते हैं, कहीं कहीं स्थूल अरुंधति न्याय बोलते न्याय भी बोलते हैं, शाखा चंद्र न्याय भी बोलते हैं, लगभग एक ही प्रकार कहीं अरुंधति द्वारा दिखाने के लिए मतलब दोनों में कोई संबंध नहीं होते वे भी एक दूसरे का बोधक हो जाते हैं, वहां तक दृष्टि एकाग्र करने के लिए वहां तक ले जाने के लिए आपको पहाड़ पहाड़ के ऊपर पेड़ पेड़ की शाखा दोनों शाखाओं के बीच में देखो, इसी प्रकार ओंकार और अश्वे कोई संबंध नहीं है फिर भी नहीं होते भी ये जो ओंकार को उच्चारण करते समय समाहित चित्त व्यक्ति के अंदर से वो नाम एक शब्दात्मक ब्रह्म की स्फुरण होता है शुद्ध चेतन की, फिर बात नहीं करते शब्दात्मक नहीं हम उच्चारण करते हैं इसलिए शब्द के सामीप्य में आकर के निर्विशेष रूप से स्फुरित होता है, निर्विशेष रूप से स्फुरित होता है, इसलिए बोलते हैं ये समाहितेन ओंकार उच्चारेण चैतन्य स्फुरति तद ओंकार सामीप्यादेव शाखा चंद्र नयन ओंकार शब्देन लक्ष्यते, ओंकार शब्द का लक्षित कौन हो रहा है वो जो चेतन चैतन्य स्फुरण है वो ओंकार के द्वारा वो लक्षित होता है, ठीक है, ये तो किसी कार्यकरण भाव भी नहीं है और व्याख्या नियम भी नहीं है, फिर उसके द्वारा लक्ष्य कहाँ देख रहा है सुधी ना दिख रहे हैं जमराज ने बताया इसको जमराज ने बताया, अब वहां पे देखिए टिप्पणी दिखाई पड़ रही हमारे पुस्तक में समा आपके समाहित ने ऊपर, ठीक है ना, समा मृत्यु वाक्य विवक्षित ओंकार से ब्रह्मत्म व्यानक्ति जमराज के वाक्य में विवक्षित जो ओंकार है उसके द्वारा ब्रह्मत्व कैसे सिद्ध होता है उसका आनंद के लिए लेखक समझाते हैं, उसका आनंद किस मतलब ये ओंकार ही सब कुछ है, ये जो आप उसने बोला सर्वे पे तो ओंकार ही निर्गुण निराकार जिसको हमने पूछा उसका उत्तर ओंकार है वो कैसे है उसको आनंद के लिए समझाए, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे मृत्यु वाक्य जमराज के वाक्य में विवक्षित ओंकार से जो बोल रहे हैं ओंकार उस ओंकार का ब्रह्मत्व उस ओंकार में ही ब्रह्मत्व मतलब व्यापकता असंगता पूर्णता वो ओंकार का में विद्यमान है, व्यक्ति समाहित उसको व्याख्या करने के लिए बोलते हैं समाहितेन इत्यादि, यदि ऐसा ही है तो वो ओंकार क्यों बोलते हो किसी भी वर्ण के उच्चारण में यही चेतन का स्मरण होता है,
किसी भी वर्ण के उच्चारण में किसी भी विधि वर्ण को उच्चारण करके समान चित्त व्यक्ति उसी वर्ण में दूसरी चेतन के स्फोट का चेतन के बने कहां से आएगा शब्द वही शब्द आता है तो यहां पे बोलते हैं तब यद्यपि टिप्पणी कर को देखिए यद्यपि वर्णांतर उच्चारण अपेत दुर्लभ वर्णान की उच्चारण में ये समान एक ही है फिर भी ये शास्त्र विहित है आरोप अशास्त्र इसीलिए बोलते हैं तथापि ओंकार एव तथात्येन मतलब ब्रह्मत्येन वेद अभिमतम वेद ने ऐसा दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने दिखा अवलंबन लेना है तो कोई शास्त्रीय अवलंबन ले वो भी शास्त्र दिखाया और क्या है देखिए जैसे कोई भी मंत्र दीक्षा आदि होते हैं ना तो जो जिस मंत्र को जप करके सिद्ध करते तब दूसरे को देते हैं तो वो मंत्र जब वो जपते हैं तो वो उसके लिए लाभदायी होते हैं अनादिकाल से ओंकार की जब ऋषि लोगों ने करके आया इसलिए इसको थोड़ा सा भी करने से व्यक्ति को फल प्राप्त होता है होगा मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होगा वो आपके मन में किसकी भावना पड़ा हुआ है क्योंकि आप राम को प्राप्त आप यहाँ पे ब्रह्म को लेकर के बोल रहे हैं ये विषय निर्गुण निराकार के लिए ओंकार अवलंबन बता रहा है आप जब सगुण साकार को लेकर के चलते हैं चलिए राम हम ये नहीं बोल सकते हैं कि चैतन्य महाप्रदेश कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं वो समय दूसरे राम राम करते रहते हैं उसका बोध उत्पन्न नहीं हो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं उससे भी होगा परंतु उनका उससे क्या है रामात्म जो पिंड और उसके पीछे चेतन तत्व उसके माध्यम से बोध करेगा बस शुद्ध ब्रह्म परम बोलते ही अंदर ही भाग है आप ये ओंकार हमें क्या बोला उन महापुरुष देखिए मतलब जिस चीज की जब किसी महापुरुष ने किया उस प्रकार के किसी अवलंबन को लेकर के उस परंपरा से यदि आप चलेंगे वो आप फिर लाते हो मन मजे को लेकर के चलने से आप उतना प्रयास नहीं कर पाएंगे जितना ईश्वर ने करके गया उनकी तरह लाभ हमें मिल जाता है इसलिए बोलते शास्त्र अवलंबन लेकर के चलो शास्त्र अवलंबन लेकर के चलो और उनका तो अनाधिकार से ऋषियों ने सभी ऋषि को अवलंबन लेकर के चला शास्त्र वेद में आए इसमें बोलते हैं टिप्पणी करके ये गाइडलाइन बहुत अच्छे यद्यपि कोई भी उच्चारण में ये होना संभव था फिर भी हम ओंकार का अवलंबन क्यों लेते हैं श्रुति ने बताया और कृष्ण अथवा राम और स्मृति में बताया हुआ है इसलिए उसका भी मान्यता है ये बलवान ज्यादा है ये बलवान श्रुति और नीचे में बलवान है से बोध होना है इसलिए हम बोलते हैं जैसे मीरा जी कृष्ण कृष्ण भी नबू इन कुछ नहीं जानते थे उसका ज्ञान नहीं होगी वो मन तो क्योंकि उसको उसका भी ज्ञान भी परंतु क्योंकि वो एक तत्वनिष्ठ थे एक तत्वनिष्ठ थे इसके बोलते यद्यपि वर्णांतर उच्चारण ने अपि एतत् दुर्लभ तथापि ओंकार एव तथात्येन वेद अभिमत देखिए हमारा अभिमत नहीं है वेद अभिमत है ओंकार ही जो आत्मतत्व के निष्ठिक है इति अवधेयम ऐसा समझना चाहिए ऐसा समझना चाहिए क्यों हम ओंकार को लोग मानते हैं शाखा चंद्र इति यथा शाखायाम चंद्र इति अस्य शाखा समीपवर्तित्व उपलक्षित आकाश चंद्र इति अर्थ ठीक है ना इस पर दृष्टांत भाग को समझ ले शाखायाम कौन सा विभक्ति है सप्तमी एकवचन अतः शाखा में चंद्र है ठीक है ना मतलब शाखा में चंद्र है क्या दूर है मतलब शाखा को अवलंबन लेकर के हम उसको दिखाते हैं शाखायाम चंद्र इति अस्य शाखा समीपवर्तित्व शाखा के समीपवर्ती उपलक्षित जो आकाश है दोनों शाखाओं के बीच में उसके माध्यम उसके तरह लक्षित होता है जो आकाश उस आकाश के बीच में देखो इसे बोलते उपलक्षित आकाश है चंद्र उस आकाश पर चंद्र है शाखा में नहीं है शाखा या चंद्र को लगन जो नहीं दोनों शाखाओं के बीच में जो आकाश खाली स्थान है वहां पे देखो वहां पे कुछ यदि अर्थ तत्व उसी प्रकार से स्व समीपत्व रूपेण उपलक्षण भूतेन ओंकार शब्देन इति अर्थ है ना सबसे नजदीक स्वरूप भूत होकर के चेतन तत्व बैठा हुआ है अपना स्वरूप क्या है चेतन और चेतन का क्या है सबसे नजदीक इसलिए बोलते हैं स्व समीपत्व रूपेण उपलक्षण भूतेन जो उपलक्षण है उपलक्षण क्या करते हैं अपने को बोध करेंगे जो अपने समान उसके संबंधित वस्तु का भी बोध करा देते हैं कौवा उपलक्षित मतलब वहां पे क्या है कि वर्तमान अवर्तमानत्व सति वर्तमानत्व सति इतर व्यवर्तकत्व सति वो वस्तु का बोध कराना होता है उपलक्षण बोलते हैं उसको ऐसा हमने उस पार में कोई पूछा नील गाड़ी वाला जो मकान है उसके पीछे वाला मकान
हो सकता है जब आप वहां पे पहुंचे गाड़ी मिले चाहे ना मिले यहाँ से आपको बोध करा देते हैं, है ना। इसलिए बोलते यहाँ पे उपलक्षण उपलक्षण भूतेन ओंकार शब्दे ओंकार शब्दों के द्वारा कहा जाता है इति अर्थ। ओंकार सामीप्य भी चैतन्य समीप करते ओंकार, इस जो उच्चारण के समीप जो है मतलब चैतन्य के अंदर से ओंकार का स्पुर मतलब स्पुरन हो रहा है, तो चैतन्य समीपवर्ती ओंकार उस चेतनता के अंदर से ही, क्योंकि चेतनता को आप ऐसे समझ नहीं पाए कोई ना कोई जिस प्रकार लाइट को समझने को ना कोई उपकरण चाहिए, इसी प्रकार से शुद्ध चेतन को समझने के लिए कोई ना कोई अवलंबन चाहिए, उस अवलंबन के यहाँ पे ओंकार दिखा रहा है। इसलिए आप बोलते हैं ओंकार समीप भी सामीप्य, ओंकार सामीप्य मतलब समीपता के जो भाव ही चैतन्य समीप वर्ती ओंकार मतलब चैतन्य के समीप जो ओंकार है वही किया स्तुति दर्शयति। देखिए एक के बाद एक, उसके बाद क्या स्तुति दिया आपका,
तद्वै सप्तकाम परम च परम च ब्रह्म यदोंकार। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा कि पंचम प्रश्न है, प्रश्न पूछा कि पंचम प्रश्न है जो जिंदगी में जी।
जीत, ठीक है, ओंकार और ओंकार को अवलंबन करके आत्मा को उससे जोड़ो, अवलंबन देकर आत्मा आपने को जो जीत जोड़ते जाओ, मतलब ओंकार के साथ आत्मा को अभिन्न करके चिंता कहाँ तुम्हारा फर्क नहीं किया, जैसे सेकंड में बोला कि अवलंबन करके ओंकार को भी अवलंबन को लेकर क्या परापर ब्रह्म को ब्रह्म चिंतन कर सेकंड वाला नहीं, वो तो इसी को पूछा पहले में दो जो है ना वो व्यक्ति एकदम पहले में पहले में क्या बोला ओंकार के उच्चारण करते समय अंदर से जो चेतनता के स्फुरण होता है ये मेरा स्वरूप है ये फर्स्ट ना केवल उच्चारण द्वितीयों में बोला कि अवलंबन विशिष्ट ओंकार वहाँ पे ओंकार का अवलंबन देखे जैसे विष्णु प्रतिमा में शालिग्राम मतलब शालिग्राम में विष्णु का अवलंबन देखे थर्ड हो गया कि ओंकार के अवलंबन परापर ब्रह्म के जो भी आप चिंतन करके प्रश्न करते उसी को आप प्राप्त करेंगे पूर्णमादाय पूर्णमेवा